कसम से मैं अभी देख के ये सोच रहा हूँ इसे तो मीठी पूरी मंगवा लेते यार, पानी से अच्छा था। तुमने ऊपर शॉट नहीं मारे, तुमने ऊपर शॉट नहीं मारे, बस लूडो यार। देखो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू फ्रेश ब्लॉग। सब्सक्राइब मतलब क्या करो, सब्सक्राइब करो। यार मैं ज्यादा ऊंचा चल नहीं बोल रहा बिकॉज मैं घर वाले भी डिस्टर्ब होता है, वरना मैं तो इतनी ऊंची चीख मारता हूँ कि बाहर से परिंदे उड़ जाते हैं। तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लो। और जो सुल्तान माफिया अभी तक जिस सुल्तान माफिया ज्वाइन नहीं करना उसके ऊपर FIR काटो, फौरन तक कराओ उसको, फौरन फौरन। लिफ्ट बुलाओ। इस गाड़ी के जो शेड्स है ना, ये मैं पिछले शेड्स आ रहे उतारूँ, उसकी वजह ये है ये जो शेड है ना इतना वाइट हो गया, इतना वाइट हो गया। कल रात को मैं गाड़ी रिवर्स करता, मुझे 10 मिनट लग गए गाड़ी रिवर्स करने में लिटरली। इसमें से गाड़ी क्योंकि यहाँ पे ये अपना पिलर था और यहाँ पे स्पोर्टेज खड़ी थी, दोनों को बचाना था, अपनी गाड़ी भी बचाना था। मैंने कहा भाई इससे मैं पिछला शेड उतार रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। ओए होई 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 होई, अब यार तो बड़ा तरीके से उतारना पड़ेगा, खींच खांच को। क्योंकि गाड़ी को जब मैं रिवर्स कर रहा था ना तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा इसको भाई नो ऑप्शन बट टू टेक इट ऑफ। सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से मुझे लग रहा है चीज़ें बहुत गंदा हो रहा है यार, सफाई करवाने वाली प्रॉपर सारी चीज़। और ये तो मैंने चेंज करवाना है। ये मैंने सारे 1 2 3 4 सारे शेड उतार दिए। ये वाले तो फिर भी साफ सुथरे काले लग रहे हैं, लेकिन यार ये भी मैं चेंज ही कर रहा हूँ जब मैं खर्चा कर रहा हूँ। अरे तो बिल्कुल ही वाइट वाव है, तो अच्छे वाले करने का। इसकी सेंट्रल लॉकिंग ठीक करने, बिकॉज जब लॉक करते हैं ना इसको देखना, अभी वो लॉक कर दिया, वो लॉक नहीं हुआ है, 2 दफ़ा खींचे तो लॉक खुल जाएगा। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले इसको यहाँ से मैन्युअली लॉक करो और फिर इस वाले को यहाँ से बंद करो, ये अब वो लॉक होगी। इतनी झंझट से बचने के लिए ना मैं रिमोट सिस्टम करवा रहा हूँ, बस कुछ करे बंदा लॉक हो जाए। यार सर मैं गाड़ी नहीं थी ना मेरे, तुम लोग को पता हफ्ता से मेरे पास गाड़ी नहीं थी। गाड़ी अब सारे काम हो जाएंगे आज तक। मैंने कहा पता नहीं ये भी शायद हाथ में आने वाला, खैर ऐसा ही है। कोई चीज़ एजुकेट करो, तुम लोग देख रहे हो ना मेरी गाड़ी में ये लगे विंड स्पॉयलर्स, ये लगे हैं प्रॉपर क्लिप्स वाले जो होते हैं ना, जो क्लिप्स वाले होते हैं वो लगे हुए हैं। ये बेस्ट होता है, एक तो होते हैं पर पेस्ट कर देते हैं, उससे गाड़ी का पेंट ख़राब होता है। ये क्लिप्स वाले ठीक है, इनका इनसे गाड़ी का पेंट नहीं ख़राब होता। और ये बहुत अच्छे वाले, ये मेरे भाई ने लगाए थे कि बफर रोड से कहीं से लगवाए थे, उस मार्केट से लगवाए थे, मैनेजर की दोस्त मैनेजर वाली मार्केट से जहाँ से वो काम करवाता है। वरना जैसे हम लोग काम करवाते हैं उधर तो ये प्रोडक्ट ही नहीं मिलता भाई, कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है उसी मार्केट में होता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हमें वहाँ से मिल गया था। हम नीचे आए थे गाड़ी का काम करना है, ऊपर से कॉल आ गया अम्मा के यार ये सामान भी लेकर आओ। मैंने कहा वाह, ये रहा अम्मा का सामान। कल रात को मैंने क्लिप बनाया था, तुम लोग जाके फिर वो देख करो, तब मैं बाकी कंटेंट सोचता हूँ। तुम लोग को थोड़ी सी भी मैं टीचिंग देता हूँ ड्राइविंग इन रेन में। जैसे देखो तुम लोग का भी शीशा होना है कि सामने बहुत फॉगी हो रहा है, वाइपर से भी हट रहा है, बहुत डिस्प्ले ख़राब हो रहा है, तो AC को अपना कर दो बिल्कुल विंड स्क्रीन पर ठीक है, और फुल AC चला दो, खुद ही ऑटोमेटिकली 2 मिनट में साफ़ हो जाए। मतलब 2 सेकंड लगेंगे साफ हो गया, तो बिल्कुल वाइट हो गया था, नजर कुछ नहीं आ रहा था। मैंने क्या बिल्कुल 2 सेकंड बिल्कुल क्लीन ना हुई 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 हुई। चिकन की रूल्स आ गए हमारी लेंच के अंदर। चिकन तो मजे की उठाऊंगा ऐसे, उसको खुल जाएगा नीचे से। मम्मा तो ऐसे खाना बना कर देती, मुश्किल हो जाता खाना यार, खाने मजे होते ना, खाना मुश्किल हो जाता है। मजेदार प्रॉपर चिकन चीज भरा हुआ है इसके अंदर यार, लेवल नेक्स्ट हुआ है। अभी भी मुझे एक बड़ी अच्छी खबर मिल गई भाई, 6-7 अगस्त तक जो है ना बड़ी कोई बारिश होनी है। ये भी प्रेडिक्शन है, इससे बात भी हो सकती है, लेकिन कह रहे हैं नहीं होंगी। तो उसके बाद जब ये मौसम सेट हो जाए फिर अपनी गाड़ी सर्विस करवाऊंगा, उससे पहले नहीं करवा रहा। पापा क्या कर रहे हैं एकदम नीचे, मैं ब्लॉग बनाता ना था बाहर है, पापा नीचे खड़े हुए पता क्या देखता क्या हवा। इस टाइम पे इसमें डर भी लग रहा है, पापा नीचे खड़े हुए थे, मैं नीचे पापा ने तो ऐसे इशारा किया, थोड़ा डर भी लग रहा है। खैरियत है, किस काम के लिए बुला रहे कह रहे कुछ कहेंगे नहीं, दिखते क्या सीखने भाई। पापा के सामने आवाज़ ही निकलती है, मैंने बोला वॉइस ओवर के बोलता था सामने पापा जा रहे थे टूवर्ड्स हब चौक की, जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है, उनका तो मैं चलना है। मैं कहा लेट्स गो, तो उनके साथ वहाँ निकल गया था। तरह का मौसम हो रहा है ना, पता चल रहा है कि आगे बारिश हो रही है बहुत सही वाली, पूरे बादल काले 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 हैं। मेरे मामा को थोड़ा सा काम करने निकल रहा था, वो ये काम था, पापा को जाना था एक मीटिंग में, मैं पापा के साथ ही निकल गया। और पापा के साथ ही निकल कर मैं कहा जाना एक ही जगह पे चलते हैं, मतलब के पापा कहीं जा रहे थे अपने ये आप चौक के साइड पे, तो वहाँ चला गया वो। मैंने इसलिए दिखाया ऑफिस का काम शाम था, मैं क्या दिखाऊँ पे मीटिंग फीटिंग थी वो कर वर कर वेले होके लस्सी सी पीते वगैरह आया। ये लगेगा ना करता क्या यकीन करता मामा ने रोल्स कम बनाए थे। खैर मैं तो लस्सी वस्सी पी ली तो तब अभी भूख नहीं रहे। वो बड़ा मज़ा आता रोल्स खाने में यार, दैट वॉज वेरी डिलीशियस। तो यहाँ को वहाँ बारिश ही नहीं, यहाँ बलूचिस्तान। अच्छा वो जगह जब गए थे दैट वॉज बलूचिस्तान, मतलब कि वहाँ से हमें बलूचिस्तान पहाड़ नजर कोई समझ लो 10-15 किलोमीटर दूर था बलूचिस्तान। वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर था, 7-8 किलोमीटर दूर था। मैं ऐसे हैरान हो रही से पता नहीं बलूचिस्तान जाके हमने बड़ा तीर मार कर आ गए। इतना दूर कहाँ चले गए तुम लोग, ऐसी बातें करें बलूचिस्तान में आप, इधर ये बड़े को दूर थोड़ी है, इट जस्ट क्रॉस द कॉर्नर। बिजली जलते जा रही है, लोग इधर पंखे बंद करते ही नहीं है यार। पंखा बंद करो यार, जब से मैं घर से गया ना ये चल रहा, वापस आया 2 घंटे बाद तब भी चल, बंद कर दिया करो यार। भाई काले बादल तो ऊपर छा गए हैं, अल्लाह करे अब मज़ेदार बारिश भी बरस जाए। ओए होए होए मज़ा आ जाएगा, ठंडी हवा तो चल रही है। पहले ही रोड पे पानी रखने की जगह नहीं है। असल में मसला पता है कि यहाँ बरकत की बारिश नहीं पड़ती है, यहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है, मसला सारा ये वो सब बन जाए तो ये बड़ा मज़ा है बारिश का इसमें। वैसे ये तो हमारा क्रिकेट का टाइम है, हम क्रिकेट इसीलिए खेलें क्योंकि हम लोग इतनी बॉल उड़ाते हैं रोजाना की 200 की बॉल लाने से अच्छा खेलने छोड़ दो, या तो वो जो होती है रस्सी वाली बॉल प्रैक्टिस बॉल वो खरीद के ना वरना खेलने छोड़ दो। रोजाना की इतनी बॉल लाते हैं, 5-6 बॉल लाते हैं रोजाना की, 200-200 रुपये वाली। हमने क्रिकेट खेलना क्या शुरू किया, हमारी कॉपी में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने, यार ये खेलते हम भी खेलें क्रिकेट। हम लोग ऐसे निकले थे ड्राइव पे ना, मैं कहा चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, धौरेजी के रास्ते में है, हंस रहा आगे से। अच्छा मुँह पे क्यों हाथ रख लेते, आधे लोग ब्लॉग बनना चाहते हैं मुँह पे हाथ रख लेते हैं। लो कॉन्फिडेंस लोग है, नो कॉन्फिडेंस नहीं है, लो कॉन्फिडेंस ऐसी बात नहीं है। कैमरामैन बना होता है ऐसे में। भाई क्रिकेट कब से खेलना शुरू करनी है, रास्ते का इंतजार करें पैसे नहीं है यार, पैसे खत्म होते जा रहे हैं। बोले कि डीजल गाड़ी में घूम रहा है, पैसे नहीं है इनके पास। भाई तो सारी बॉलें घुमा देते हो तुम लोग, मैं तुम्हें पैसे दे। तुमने एक बॉल के पैसे नहीं अभी तक, एक बॉल के दिए। कौन से बॉल के दिए थे तुमने? जो 100 रुपए 200 रुपए। अब इन्होंने आधे 50% पैसे दिए हैं और 50% मैंने दिया उस पर। भाई तो मैं किस लिए दूं जब पता है बॉल घूम जाएगी। अबे तो खेलते हो तुम भी, तुमने नहीं बॉलें घुमाई, तुमने ऊपर शॉट नहीं मारे, पैसे जाया हो, तुमने ऊपर शॉट नहीं मारे, ऐसे शॉट मारे नाम मुझ पर डालते मैं घुमा दो, खुद भी छोटे मारता जोर जोर से। शॉट मैंने तो मारे, हाँ किसी से लगता है शॉट देखा, और उठाटा के ऐसे शॉट मारते बॉल घूम हो जाती है। हम तो जानबूझकर का मारते घूम ना हो जाए बॉल। तो आज से बस लूडो देखो, इसके अलावा मैं रात हो गया था पार्किंग में आके बढ़िया ना नीचे लूडो खेलेंगे। मैं हर बार 10-10 रुपए देकर भी जाएगा साथ में। हम लोग आए यहाँ पर गोलगप्पा शॉपने के बहाने, इनका इतना हाई प्रोफाइल हाइजीनिक किस्म का किचन है। ये देखो किचन जो भी बड़ा हाइजीनिक है, जो भी इट्स वेरी हाइजीनिक हेल्दी। कसम से मैं अभी देख के ये सोच रहा हूँ इसे तो मीठी पूड़ी मंगवा लेते यार, पानी से अच्छा था। ये मज़े की तो होती है लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम है ना। माशाल्लाह इतनी हाई प्रोफाइल चटनी, बल्ला करे पेट ना खराब हो जाए। अच्छा ये डर है पेट खराब हो जाए यार, तो डालिए खा ले बस कर भाई, पूरा भरेंगे। एक काम है इसको डुबो दो ना अंदर तुम, फिर यार वो फिर पूरा डूबना है यार। जैसे शादी में लोग कैमरा के मुँह पर खड़े होते हैं ना। क्या रेट दोगे, कैसा है? मैंने भी खाना ओके है, नॉट गुड नॉट बैड ओके। भैया मिशन तो नहीं होगी, मीठा नहीं है, हाँ वही तो मैं देख के साथ ही मैंने बोला ये क्या गलती मंगवा दी हमने चीज़। बेटा इसका तरीका तुम हो मम्मी डैडी चम्मच से डालते हो, ठीक है मैं हूँ देसी एल है साढ़ा एना ए तरीका होता है, मम्मी देसी है। सही है मजे की, पीने वाला जाते हुए ये खा नहीं रहा। 2000 रुपये दूंगा पानी पी जा। 2000 देगा? नहीं भाई 1 रुपये में तो सही में पी रहे मैं पीना तो उसी बोल दिया था। लोगों को कंटेंट मिलता है, थंबनेल पिक्चर मिलती है वीडियो के बीच में, हमें मिल रही वीडियो के आखिर में। बैंडी होने वाली ना वीडियो, ये अबाया करने वाली खवातीन है। ओ अबाया करने वाली खवातीन, ये देखो ये पर्देदार खवातीन है। हाथ तो मिला ले भाई, याद रखना तुम ये चीज़ तुम याद रखना बेटा, ये चीज़ तुम याद रखना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो हम लोग से मिलेंगे नए ब्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखना है। ब्लॉग एंड ही कर देता हूँ, थंबनेल पिक्चर भी मिल गई है। अल्लाह हाफिज़। ये देखो इसके काम कीड़े कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर। सुकून तो मिलता ही नहीं है तुम लोगों को भी किसी को ना, कीड़े करने से। कोई बैठा तो नहीं है यहाँ पर, बंद ही कर देता हूँ। जिया चलो यार, ओके, अल्लाह हाफिज़।